दी अपने प्यार की खुशी पूरी करूं मैं बाकी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे पंचलाइंस के बारे में। वैसे तो वीडियो बनाई है पंचलाइन के बारे में, पर इसके अंदर थोड़ा सा अलग टॉपिक पे बात करेंगे पंचलाइन से रिलेटेड, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ और ब्रीफ में कि हम पंचलाइन किसे बोलते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। जैसे कस्टम ड्यूटी तू मेरे लिए ड्रीम, या पेंटिंग ब्यूटी मुझे लगे तू फ्रूटी, तू पहनती है सूती तेरे चुस्त। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंच लाइन्स के बारे में। आपको पता है मैंने वीडियो में बताया कि पंच लाइन कुछ पंच मारने जैसी कुछ होती है, पर आपको मैं ये बात बता दूं, ये बात क्लियर कर दूं कि पंच लाइन सिर्फ रैप के अंदर नहीं यूज़ की जाती। पंच लाइन्स बहुत तरह की होती है। पंच लाइन्स हमारे जोक्स के अंदर, हमारी स्टोरीज़ के अंदर, हमारे सॉन्ग्स के अंदर या हमारे रैप में तो है ही। तो पंच लाइन हमारे बहुत तरह के चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको मैं बताऊँ तो हमारे सत्संग जैसे चीज़ों में भी इस्तेमाल की जाती है, जिसे आप धार्मिक भी कह सकते हो। हमारे धार्मिक गानों के अंदर भी पंचलाइन टाइप की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती है। अब कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, आप किसी को आकर्षित करने के लिए ही बना रहे हो, और पंचलाइन हम क्यों मारते हैं? किसी को आकर्षित करने के लिए, मतलब किसी अपने आप को आकर्षित करने के लिए, कि पंचलाइन मारने से हमारे ऊपर ध्यान देगा कोई, या पंचलाइन मारने से ऐसा कोई शब्द निकलेगा जो दूसरे आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड होगा। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई रैप किया और कुछ ऐसी लाइन आपको आपके लिए बोल दी जो आपकी लाइन में, या आपकी भाषा में बोलूँ तो आपकी लाइफ के अंदर जुड़ गई कुछ बात और आपको बड़ा अच्छा लगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पंच लाइन हमारे बातों के अंदर, हमारे रैप के अंदर, हमारे जोक्स के अंदर, हमारी स्टोरीज़ के अंदर, हमारे जो भी मतलब कि काम है, हमारे रियल लाइफ के अंदर भी पंच लाइन का इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए आपको कोई बंदा बोल रहा है कि भाई वहाँ पर जाना है, ठीक है, और आप मना कर रहे हो, पर आपको वो क्या बोलेगा? कोई ऐसी बात बोलेगा जिससे आपको प्रॉफिट होने वाला है, या कोई ऐसी बात जिससे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार वहाँ जाने में शायद मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है। तो आपको वो फील करा रहा है कि यार वहाँ पर जाना है, यार वहाँ ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, और उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे आपको लगा कि हाँ यार अगर मैं ऐसे करता तो वहाँ उस दिन का काम हो जाता और आज का मौका मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने बातों ही बातों में आपको कुछ ऐसा पंच मार दिया जिससे आपको वो फील हो गया कि यार मुझे जाना चाहिए। तो हमारे रैप के अंदर क्या होता है और हमारे गानों के अंदर ये होता है कि जब कोई पंच मारता है गानों के अंदर तो हमारे को फील होता है। क्योंकि अब आपको ये बताना भी ज़रूरी है ना, कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वीडियो का मेन मोटिव मेरा यही है कि आपको मैं ये बताऊँ कि पंच लाइन पता कैसे लगती है कि पंच लाइन है ये। क्योंकि जाने अनजाने में आपको मैं ये भी बताऊँ कि पंच लाइन आप लिख कर या आप बोल कर नहीं बता सकते कि ये मैंने पंच लाइन मारी है। पंच लाइन उस इंसान पे आधारित है, उस इंसान को पता लगेगा कि पंच लाइन उसे क्या फील हुई, क्योंकि आपके हिसाब से वो पंच लाइन है, पर वो दूसरे सुनने वाले के दिमाग के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल है वो, तो वो पंच लाइन नहीं है। क्योंकि अब जैसे कि कोई रैप कोई सुना रहा है, इतने सारे रैप हम सुनते हैं, पर एक आर्टिस्ट किसी के रैप को जब सुनता है या किसी दूसरे आर्टिस्ट के रैप को सुनता है तो उसको थोड़ा कई जगह फीका लगता है, पर वही चीज़ अगर जब आम जनता सुनती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो यही होता है पंच लाइन, कि दूसरे इंसान को कैसा लग रहा है। तो हमारे पंच लाइन के अंदर मेन होता है फील कराना। तो जब हम किसी के रैप को सुनते हैं या किसी की लाइन को सुनते हैं, तो जब हमें ध्यान रखना, जब हमें सुनकर सुकून मिलता है या तो कोई चोट लगती है, तब जाके वो पंच लाइन कहलाती है। अब मान लो आप कोई लव सॉन्ग सुन रहे हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। वो क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ से या आपकी लाइफ में कुछ फील करा रहा है वो। तो जब वो फील करा रहा है, या कोई ऐसी लाइन जो गाने के अंदर, मान लीजिए उस गाने की हुक लाइन है जो मेन इंपॉर्टेंट टाइटल बोला जाता है, तो उस टाइटल से आपके लिए कुछ क्रिएट करता है कि यार ये हमारी ज़िंदगी से बड़ा मज़ेदार है, रिलेट करता है या कुछ फील करता है, तो वो ही पंच लाइन मानी जाएगी। और रैप के अंदर भी यही होता है। कोई ऐसी बात जो आपकी लाइन में चुभती है,
जैसे कि मैंने लेटर सॉन्ग बनाया, मैंने कुछ बोल दिया उसके अंदर, 16-17 साल के जो बच्चे हैं उनके कुछ लाइन बोल दी, पर मैंने उनको बोला जो ऐसी हरकतें करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरा लेटर सॉन्ग सुन लेना, पता लग जाएगा कि क्या चोट लगने की बात कर रहा हूँ मैं या फील करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर बात यह है कि आपको जब चोट लगेगी कोई ऐसी बात से या आपको कुछ फील होगा, दिमाग को सुकून मिलेगा, तब वो पंचलाइन कहलाई जाएगी। आपको मैं एक और बात बताता हूँ। अब मान लीजिए मैंने सत्संग का नाम क्यों लिया था। सत्संग भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मोटिवेट करा जाता है। अब आप समझ लो कि मोटिवेट करा जाता है या बंदा हो जाता है, वो इंसान पे डिपेंड है जो देखने वाला है या सुनने वाला है। अब सत्संग ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा भगवान का भी नाम लेकर दूसरे इंसान को मोटिवेट करती है कि आप यहाँ शरण में आओ, यहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, शांति से हम एक नेचर की बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपने नेचर के लिए, हमें कैसी हरकतें करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये सब बातें होती हैं जो दिमाग पे असर करती है। तो उस इंसान को ऐसा फील कराया जाता है कि भाई ये चीज़ ना करना, ये तुम्हारे लिए नुकसान हो सकता है। तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पंच मार दिए जाते हैं तो बंदा मोटिवेट हो जाता है। बंदे का एक तरह से समझ लो माइंड वॉश, ये चीज़ है बस। तो पंचलाइन ऐसी मारो कि बंदा कोई काम भी कर रहा हो ना, दिमाग उसका फट से घूम के यहाँ आ जाए कि ये गाना किसका चल रहा है, समझ रहे हो। एक लाइन से ही, एक दो लाइन से ही बंदे का दिमाग घूम जाए और दूसरा बंदा पूछे कि एक बार थोड़ा मुझे सुनाओ कि क्या चीज़ है ये, किस इंसान का है। तो जब ऐसा कुछ होने लगेगा तो समझ लो ना कि आपकी तरक्की जल्दी है, तो आपके रैप में दम है। और ये मत सोचना कि आपकी पंच लाइन, आपने ये पंच लाइन मारी तो यही आपकी पंच लाइन है। पंच लाइन दूसरे इंसान पे डिपेंड करता है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, होप मैं आपको थोड़ा समझा पाया कि पंच लाइन क्या है, ठीक है। अब ये जो कैसे करते हैं पंच लाइन, कैसे मारते हैं, ये एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो, या और भी कई वीडियोस के अंदर मैंने बात की है पंच लाइन के बारे में, तो वो भी देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। तो थैंक यू, और इस वीडियो को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हो, और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। और क्योंकि यार बेल आइकन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अब सब्सक्राइब की अब उतनी वैल्यू नहीं रही, तो नोटिफिकेशन प्लीज़ क्लिक कर देना, क्योंकि मेरे सॉन्ग्स भी इसी चैनल पर आते हैं और मेरी नॉलेज वाली वीडियोज़ भी इसी पर आती है। और इसी तरह जुड़े रहना, थैंक यू, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सॉन्ग्स भी आप सुन लोगे। तो गुड बाय और जय हिंद। सूती तेरे चुस्त कपड़े हो रहे हैं लपड़े, कौन छेड़े तुझको खाएगा थपड़े, मेरा होगा हक तुझे पे, आजा मनी बैग भरा, सहलूंगा न करे लोग तेरे बारे करे बातें, उल्टा मुझको भी यही समझाते, ना जा इसके पीछे यारा क्योंकि कईयों को लग गए घाटे।